नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो घरों में रहना होगा। लोगों पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन होने की परवाह न करते हुए बेधड़क सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। लोगों की सामान्य चहल पहल है, अपने घरों से निकल रहे हैं, भीड़ में खड़ा हो रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जबकि भीड़ में जाने का बहुत ही ज्यादा असर होता है। कोरोना वायरस संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलता है, लेकिन यहाँ पर फिजूल की भीड़ भाड़ तमाम जगहों पर देखने को रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरूरी कार्यों से घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो तमाशा देखने के लिए घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में IBN 9 न्यूज लोगों से अपील करता है कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित रहें। जैसे कि आपने अभी ये बताया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए, और आपने मतलब क्या क्या इसके लिए व्यवस्थाएं की? हमने यहाँ पर ये एक तो इसके लिए हमारी कलेक्टर मैडम है, जिला दंडाधिकारी, उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश CRPC की धारा 144 के तहत यह लागू किया है, जारी किया है, और उसके अंतर्गत जो भी आते हैं उस पर हमने मॉल हैं और इस तरह के जो भी प्रतिष्ठान हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो एक्ट है उसके अंतर्गत छोड़ के, आवश्यक वस्तु अधिनियम को छोड़कर, और जो दूध है, सब्जियां हैं, फल हैं, राशन की दुकानें हैं, इनको सभी को छोड़ के बहुत सारी उसको प्रतिबंधित किया है। साथ ही हमने जो अटार पुल है यहाँ पर जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं, और उसके बाद में ही उनका वो परीक्षण करके, और वहाँ पे एक रजिस्टर हमने संधारित करवाया है तो जिसमें उनका नाम संबंधित व्यक्ति है उनका नोट डाउन किया जा रहा है वहाँ पर, और उसके बाद में उनका नाम, पता और कहाँ से आए हैं, क्या है, ये सभी व्यवस्थाएं करी है कि जिससे इसका संक्रमण न फैले। तो मैं बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।